हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक न्यू वीडियो पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाले हैं किसी भी कंपनी के आपके पास फ़ोन है उसमें थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट किस प्रकार से फ़ोटो खींचा जाता है। क्योंकि स्क्रीन शॉट खींचना होता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बता दूँ, स्क्रीन शॉट खींचने के लिए दो तरीका होता है। सबसे पहले बता दूँ, एक होता है थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट, एक होता है अपना पावर बटन और पावर वॉल्यूम डाउन, यानी पावर वाला जो बटन है उसको भी एक साथ प्रेस करना होता है उससे भी, और जो भी वॉल्यूम को घटाया जाता है माइनस वाला उसको, दोनों को एक साथ दाबेंगे तो तुरंत ही आपको स्क्रीन शॉट इस प्रकार से खींचा जाएगा। मैं एक बार खींच के दिखा दूँ, देखिए ऐसे मैं दाबा, देखिए स्क्रीन शॉट खींचा गया, इस प्रकार से खींचा जाता है। और दूसरा ऑप्शन हो गया कि थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट किस प्रकार से खींचा जाता है। देखिए एक मेरा ये हो गया, थ्री फिंगर मार दिया, देखिए स्क्रीन शॉट खींचा गया। किसी भी कंपनी के फ़ोन हो, ओप्पो वीवो किसी भी कंपनी के फ़ोन हो, उसमें सारे फ़ोन में सेटिंग एक ही प्रकार के होते हैं। बस सेटिंग कुछ कंपनी के सेटिंग उधर आता है, कुछ कंपनी के सेटिंग उधर होता है, मगर सेटिंग सारे फ़ोन में होते हैं। तो उसको आपको ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग में जाना होगा। जैसे सेटिंग में आएंगे तो आपको नीचे आ जाना होगा, इसे नीचे आपको हल्के हल्के हाथ से आना होगा। देखिए यहाँ पर आ जाएंगे कन्वेंशियंस टूल्स पर आपको आ जाना होगा, इसे आप टैप करेंगे, टैप करने के बाद देखिए नीचे आ जाएंगे आपको फिंगर वाले पर, फिंगर वाला आप आ जाएंगे, आपको सेकेंड वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे देखिए आपको यहाँ पर आ गया, देखिए आपको नीचे दिखाई देगा टच ऑन होल्ड टू थ्री फिंगर टू टेक योर स्क्रीन शॉट। आपको इसको देखिए मेरा ऑन है, इस समय ऑफ किया है, आप किस प्रकार से इसको ऑन कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, इसे ऑन कर देंगे तो आपको जब भी जहाँ भी अगर आपको थ्री फिंगर मारेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक आपके फ़ोन में स्क्रीन शॉट खींचा जाएगा। क्योंकि आप किसी के पास स्क्रीन शॉट फ़ोटो खींचना चाहते हैं तो आप तुरंत ही थ्री फिंगर मार देंगे तो स्क्रीन शॉट खींचा जाएगा। ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये पावर वॉल्यूम को दाबेंगे तो पुराना मॉडल हो गया अभी के टाइम में, वो सभी को अच्छा नहीं लगता है। उम्मीद होगी कि आप इस प्रकार से उसे ऑन कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके।